हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिनिक ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की 10 के वृद्धि दर। फ्रेंड्स, यह टॉपिक हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जो उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 4 जिले होंगे उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, और जो इस राज्य की सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले 4 जिले होंगे उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम 2 ट्रिक देखने वाले हैं और उनको हम याद करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जिले वाइज यहाँ पर जो भी 10 के वृद्धि दर है वह नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी ट्रिक को देखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले वाइज यहाँ पर जो 10 के वृद्धि दर है वह यह है। फ्रेंड्स, आपको मालूम ही हो गया जो 10 के वृद्धि दर होती है वह प्रत्येक 10 साल में यहाँ पर नोट की जाती है। तो यहाँ पर आप जिले वाइज देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इनको जो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 4 जिले हैं वह देखेंगे और उसकी हम ट्रिक को याद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले जो 4 जिले होंगे उसको देखेंगे और उसकी ट्रिक को याद करेंगे। तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले 4 जिले लेते हैं और उनकी ट्रिक को देखते हैं। जो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिले हैं वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह हो गए, अब इसकी ट्रिक को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी ट्रिक है, उसे दे हनी। तो अभी यहाँ पर इसके हम फुल फॉर्म देखते हैं और उसके बाद इसको याद करते हैं। देखिए उसे से हो गया यहाँ पर उधम सिंह नगर, द से देहरादून, और ह से हरिद्वार। ओके, और यहाँ पर नी से हो गए नैनीताल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म हो गई। अभी यह आपको किस प्रकार से याद रखना है, देखिए जब भी यहाँ पर क्वेश्चन सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले जिलों के बारे में आएगा, तो फ्रेंड्स यदि इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि यहाँ पर सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले आपको जिले दिए गए हैं, तो इनमें से यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इनमें से दूसरे नंबर पर कौन सा ज़िला आता है या फिर फोर्थ नंबर पर कौन सा ज़िला आता है। तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर, अभी देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यह कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक और व्यक्ति ले लेते हैं, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और व्यक्ति ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह कुछ व्यक्ति हो गए, तो इनको क्या हुआ है, दस्त लगे हुए हैं। दस्त यानी कि जो लूज मोशन होते हैं वह लगे हुए हैं, तो इनको यहाँ पर लूज मोशन हो रखे हैं। अभी यह लूज मोशन सबसे अधिक यदि इनमें से किसी को करने हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके जो लूज मोशन हैं, इनको जो दस्त हुए हैं, तो उनमें यदि वृद्धि करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, दस्त के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो शहद होता है वह इनको पिलाना होगा, जिससे कि इनमें से जो भी इसको शहद को पिएगा उसके ही दस्त में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो दस्त किए हैं, दस्त के से हमने क्या लिया है, दस्त। ओके, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके दस्त में वृद्धि की है। तो दस्त में वृद्धि किससे की है, शहद को पिलाने से। ठीक है, हनी यहाँ पर देखिए, उसे दे हनी, हनी यानी कि शहद, शहद को हनी बोलते हैं ना इंग्लिश में,
तो यहाँ पर हमने शहद लिया है, उसे दे हनी। हनी किसको देना है? जिसके दस्त में सबसे ज़्यादा वृद्धि करनी है। तो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक, दस्त के यानी कि दस्त, वृद्धि यानी कि इसके दस्तों को बढ़ाना है। तो यहाँ पर सर्वाधिक दस्त के वृद्धि कब हो सकती है? यदि उसको हनी दे दिया जाए, है ना, तो उसके दस्त में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। उसे दे हनी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सर यह किसको देना है हनी? तो यहाँ पर उसके बॉस ने बोला है कि ये उसे दे हनी। किसको दे? जिसको सबसे अधिक दस्तों में वृद्धि करनी है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सबसे कम दस्त के वृद्धि दर वाले जो चार जिले हैं उनको पढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ट्रिक को याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर वह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम दस के वृद्धि दर वाले जो चार जिले हैं वहाँ कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इनको हम यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चार जिले हैं। इसकी ट्रिक फ्रेंड्स थोड़ी सी अजीब भी है, और यहाँ पर इस ट्रिक को देखकर आपको थोड़ा हंसी भी छूट सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको याद कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसलिए इसके लिए दो ट्रिक बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ट्रिक को देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक हम ले लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर हम यह ले लेते हैं, पढ़ाओ टीवी। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड ट्रिक जो देखेंगे उसमें थोड़ा सा अजीब सा है, तो पर फिर भी हमको क्या करना है, याद जरूरी करना है। उससे थोड़ा आपको यह इजीली ही याद हो जाएगा, बट पहले हम इससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ाओ, पढ़ा से यहाँ पर हो गया पौड़ी, और ओसे हो गया यहाँ पर अल्मोड़ा, टी से हो गया टिहरी, और यहाँ पर बी से हो गया बागेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? देखिए सबसे कम दस के वृद्धि दर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ये व्यक्ति हैं इसमें सबसे कम जो दस के वृद्धि दर है वह किस प्रकार से होगी? देखिए यहाँ पर पढ़ाओ टीबी, यहाँ पर यह जो टीबी है यह एक बीमारी है। जो बीमारी वाला टीबी होता है वह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जो दस्त की वृद्धि है, तो दस्त की वृद्धि सबसे कम किस में होगी? तो सबसे कम करने के लिए क्या करना होगा? सबसे कम करने के लिए यहाँ पर टीबी के बारे में पढ़ाना होगा। तो जिसको यहाँ पर टीबी के बारे में पढ़ाया जाएगा उसके लूज मोशन अपने आप ही कम हो जाएंगे, यानी कि उसके दस्त में सबसे कम वृद्धि होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जिसको टीबी पढ़ाया जाएगा यानी कि जिसको टीबी के बारे में पढ़ाया जाएगा उसके दस्त में सबसे कम वृद्धि होगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके यहाँ पर हम एक सेकेंड ट्रिक देख लेते हैं, शायद उससे आपको अच्छे से ही याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यह है ट्रिक। ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हो गया ओ से पौड़ी, आ से अल्मोड़ा, और यहाँ पर टी से टिहरी, और यहाँ पर बाघ से बागेश्वर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जो व्यक्ति हैं वो इनके जो लूज मोशन है उसमें सबसे कम वृद्धि दर किसमें हो सकती है और कैसे हो सकती है? देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है पोटी, पोटी
ठीक है, और ये है बाघ, ठीक है, ओटी बाघ, यानी कि यहाँ पर ये जो लूज मोशन वाले व्यक्ति जिनको दस्त हुए हैं, तो यहाँ पर इनमें से जो भी व्यक्ति सबसे कम, यहाँ पर ये जो बाघ है तो बाघ में जो सबसे कम पोटी करने के लिए जाएगा उसको क्या होगा, उसके दस्त में सबसे कम वृद्धि होगी। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, सबसे कम दस्त के यानी कि दस्त वृद्धि, ठीक है। तो सबसे कम दस्त में वृद्धि किसके होगी, सबसे कम दस्त में वृद्धि उसके होगी जो सबसे कम बाघ में पोटी करने जाएगा, ठीक है। पोटी बाघ यानी कि बाघ में जो सबसे कम पोटी करने जाएगा उसके दस्त में सबसे कम वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह यहाँ पर दोनों की ट्रिक कंप्लीट हो गई है और हमारा यह टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स यदि आप उत्तराखंड की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप अभी हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का नाम है एसपी यूनिक अपडेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।